हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। सारिका स्कूल चली गई है और हस्बैंड भी चले गए हैं और अक्षु हमारी सो रही है। लेकिन अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरी अक्षु जग रही है, क्योंकि वीडियो पहले शूट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। तो अभी अक्षु जग रही थी, तो अभी देखो मैं अभी धो रही हूँ कपड़े। मेरे ना तो मतलब दो तीन हैंकी हो गए थे, अक्षु के और हस्बैंड के भी हो गए थे। तो हैंकी हमेशा मैं हाथ से ही धोती हूँ, हस्बैंड के तो खासकर। तो अभी ने तो वही अभी मैं धो रही हूँ और अक्षु देखो हूँ हूँ कर रही है, मेरी गोद में बैठी है फ़ोन देख देख के। और भाई जिसको जो कहना है कहते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए हमारी अक्षु अभी उठ गई थी, तो मैं बीच में कपड़े छोड़कर आ गई हूँ। मेरी ना एक गंदी आदत कह लो या फिर अच्छी कह लो, बता, मैं ना जो सोच लेती हूँ ना वो मैं काम करके रहती हूँ, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। और जब हस्बैंड साथ है तो फिर किसी का क्या डर है, जब हस्बैंड पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जिसको जो कहना भैया कहते रहो, हम तो वीडियो डालेंगे और जो सोच रखा है वो करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं एक बार जो मन में सोच लिया ना वो करके रहती हूँ, पता नहीं क्यों। और कभी कभी ना मेरा हौसला टूट भी जाता है, मैं सोचती हूँ नई वीडियो बनाऊँ छोड़ दूँ, लेकिन जब मैं फिर और व्लॉग वगैरह देखती हूँ ना, फिर उनको देख के ना फिर मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे भी सक्सेस होना है इन लोगों की तरह। जैसे ये लोग सक्सेस हुए हैं ऐसे मुझे भी होना है। मेरा भी सपना है कि मैं यूट्यूब पर सक्सेस हो जाऊँ, और मैं वो पूरा कोशिश कर रही हूँ। एक ना एक दिन आएगा जो हो जाऊँगी, पर हौसला नहीं टूटने दूँगी अपना। वीडियो डालती रहूँगी और कोशिश करती रहूँगी। तो ये देखिए मेरा झाड़ू लग गया है, अंदर मैंने लगा लिया था और ये पार्किंग में अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अक्षु माई रोने लगी थी, उसको मैं वापस से बिठा के आ गई हूँ। टीवी देख रही थी इस टाइम पर, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो ये सबसे पहले मैं ये बेडरूम में अपने पोछा लगा रही हूँ, पहले मंदिर वाले रूम में लगा दिया है और उसके बाद बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और अभी मैंने पूरे घर में अपना पोछा लगा दिया है, पार्किंग में भी लगा दिया है। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन का काम नहीं किया था मैंने, किचन क्लीन करना रह गया मेरा। देखो सामान सारा कैसे फैला हुआ है मेरा। तो सबसे पहले मैं ये जो रात के बर्तन मैंने धो के रखे थे ना, वो मैंने लगाए नहीं थे, धो के ऐसे रख दिए थे। और सुबह जल्दी जल्दी में ना सारिका को स्कूल भेज दिया और हस्बैंड को भी भेज दिया, बर्तन फिर भी नहीं लगा पाई थी मैं। तो ये बर्तन जो है मैं अभी लगा रही हूँ, और उसके बाद मेरे को करना है किचन अपना क्लीन। और बर्तन आज थोड़े से ही है, ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है, तो जल्दी से मैं किचन का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी जो है ये देखो दोपहर का टाइम है और हमारी सारिका स्कूल से आ गई। और स्कूल से आते ही ना सबसे पहले ये जाएगी अक्षु के पास, अक्षु को देखने जाती है क्या कर रही है। अक्षु सो रही होती है ना, उसको उठाने की कोशिश करती है, तो मैंने उसको उठाने नहीं दिया है। और ये देखिए सारिका को मैंने अभी नहला दिया है, क्योंकि ना मॉर्निंग में उसे मैं नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि अभी भी ठंड है बच्चों के लिए। और ऐसे भी ना लेट भी होता है बहुत, आपको पता ही बच्चे कितनी एक्टिंग करते हैं। पता है ये उठ जाती है अपने आप, जब मैं उठूँगी ना ये उठ जाएगी, अक्षु के साथ खेलती रहेगी। लेकिन जैसे मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ और ये कंबल में वापस से घुस जाती है, फिर उठती नहीं है। और फिर उसके बाद मैं उसके लिए ला रही थी खाना, तो
तो मैंने ना रात को कढ़ी बनाई थी, मेरी ना कढ़ी रखी हुई थी, तो वही मैंने अभी कढ़ी गरम कर ली और चावल भी रखे थे और रोटी मैंने अभी बना ली है अपने खाने के लिए। सारिका कह रही मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो मैंने अपने लिए दो रोटी बना ली है और कढ़ी चावल रखे थे, वही मैंने गरम कर लिए हैं। तो आप भी आ जाइए कढ़ी चावल खाने के लिए। तो ये ना कपड़े 2-3 दिन से मेरे चेयर पे रखे हुए हैं, मैं उतार के रख दिए थे और आपने देखा होगा व्लॉग में कि उसी में उतार के रखे थे, और जब से ना मैंने फोल्ड नहीं करे हैं। मैं ना सारे काम कर लेती हूँ अपने हैं, लेकिन ना कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन उनको फोल्ड करने में इतना आलस आता है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर जब फुर्सत होती है तब बैठती हूँ, मैं रोज़ सोचती हूँ करूँ करूँ करूँ, और मेरा काम में ना ऐसे लगी रहती हूँ, टाइम ही नहीं लग पाता, और ऊपर से थोड़ा सा मिलता है टाइम तो बैठ जाती हूँ, आलस आ जाता है मेरे को। और कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। रेस्ट किया, लेटे लेटे भी मैं वीडियो एडिट करती रहती हूँ, हाथ फ्री नहीं रहते, या फिर जिसके व्लॉग मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो व्लॉग देखती रहती हूँ उस टाइम पे, और वीडियो अपनी एडिट करती हूँ। और उसके बाद अभी है इवनिंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए। तो अभी बना रही हूँ मैं सब्जी, और ये देखिए ये मैंने ना आलू गोभी और गाजर बना रही हूँ। मटर भी डालनी थी मेरे को, और मटर नहीं थी तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं, तो मैंने वो कट कर ली थी बैठे बैठे वहीं पे रूम में। तो अभी मैं बना लेती हूँ अपनी सब्जी। फ्रेंड्स देखो आलू गोभी और गाजर की सब्जी बन गई थी, और उसके बाद अभी बच्चे दोनों सो गए हैं और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। अभी बचे हैं रात के 10:30। हमारा ना लेट ही होता है खाना, आप लोग बोलते हो कि इतना लेट कौन खाता है, अभी 10:30 आज तो जल्दी हो रहा है, हमें ना 11:30 बज जाते हैं खाना खाते खाते। आज तो भगवान की दया से मैं थोड़ा जल्दी, हाँ जल्दी खा रहे हैं, और ये देखो खाना डाल दिया है, खा रहे हैं हम लोग। आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए हमारे साथ, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने सुंदर सुंदर हाथों से, कोमल कोमल हाथों से एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।